Kasturi Dalakangala Kapadali Vakshastare Kostabhyam Nathagre Varamokitam Kalpale Velurikan Paramalangi Harichandram Sulanitam Kanteja Muktamani Gopastri Parivishkitubh Jayati Gopal Juhamani Bhagavato Jana Parikchitya Varnana Martana Nevisana Chetriyati Chaputi तो श्री गंगा जी के पावन तट पर नैमी शरण क्षेत्र में सुखदेव जी महाराज जो है राजा पारिक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं और सुखदेव जी कहती है राजन जब कन्हैया का प्रागट्य हो गया तो बधाइयां चल रही है सात दिनों तक बड़े बड़े वीरपाणी ब्राह्मण आ रहे हैं मंत्र बोल रहे हैं बड़े बड़े देवता अपने अपने रूप को चेंज करके गोकुल में आए हुए हैं और बापर जो है इधर आपातकालीन सभा बुलाई गई कंस ने और कहा कि मैंने सुना है गोकुल में नंद जी के घर बालक ने जन्म लिया है भाग कौन जाएगा पूतना बोल पड़ी मुझे भेज दो ना गोकुल में चली जाऊंगी अच्छा पूतना किसे कहती है पूतना कहती है अविद्या के लिए और अविद्या 14 स्थानों पर वास करती है 14 स्थान कौन कौन सी 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां मन चित्त गुण और संस्कार ये 5 जगह पे अविद्या यानी पूतना का वास रहता है 14 जगह और कंस कहने लगा पूतना से हम तुमको भेज तो देंगे लेकिन आपको राक्षसी रूप है तुम्हें अंदर लाला के पास कन्हैया के पास जाने कौन देगा पूतना बोली मैं रूप बदल कर चली जाऊंगी पलस्तर करवा लूंगी और भी ज्यादा यदि कुरूप दिखाऊंगी तो घूंघट लगा दूंगी अब तो पूतना ने वहां से चल दिया यज्ञ से कंस से मिल करके और गोकुल में आइए तो वहां पर बधाइयां चल रही हैं थालियां ले लेकर के अबीर गुलाल गोपियां बधाई देने के लिए आ रही हैं यशोदा जी जो है उस समय है अतिथि सब सेवा में लगी हुई है और पुतला कहां पहुंचती है यशोदा मैया यहां पलना में कन्हैया को जला रही है यशोदा जी ने मन में विचार किया कोई ब्राह्मणी होगी और मेरे कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए आई है ये मन में सोच लिया ऐसा और प्रणाम किया यशोदा जी ने और कहा आप जब तक पूजना भूल पड़ी मैं तो कन्हैया के दर आशीर्वाद देने के लिए आई हूं फिर तो और भी भाव बढ़ गया यशोदा जी का और पूतना की माया समझ में न आई Thank you.
ना मुझे सोना चाहिए ना हीरा मोती चाहिए, हम तो बाबा जी हैं।
हमें तो तुम्हारे लाला के दर्पण करना है, तुम्हारे कन्हैया के दर्पण करना है बस। यशोदा जी ने विचार किया कि दर्पण लाला के करने के लिए ये महाराज जी इतना प्रयास क्यों कर रहे, क्योंकि पूछना भी आई थी, कृष्णा व्रत भी आया था। यशोदा मैया ने मना कर दिया, महाराज जी लाला के दर्पण तो हम बिल्कुल नहीं करा सके। बोले क्यों, कि तुम्हारे गले में जो सर्प डला है ना, कितना बड़ा सर्प है, मुख से जीव निकाल रहा है, पर मेरे लाला को बहुत डराते सपोते। बोले बाबा, बोले मैया, अरे तेरा जो लाला है ना, जो 1000 फन वाले सर्प में तो विश्राम करता है, शयन करता है, ये सर्प तो बहुत छोटा है उसके सामने। ये सुनारी बोली, पता नहीं महाराज जी आप क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारे गले में इतना बड़ा सांप डला है, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, कंधा पर घोड़े घूम रहे हैं, मेरे लाला डर जाएगा, मैं बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले बाबा बहुत आग्रह करते हैं, और यशोदा मैया से बोले बाबा, बोले मैया हम सन्यासी हैं, भजन करने वाले हैं, कैलाश पर्वत से आए और लाला के दर्शन करके ही मानेंगे। यशोदा जी बोली, हम जब आपको दर्शन कराएंगे ही नहीं तो कन्हैया के दर्शन होंगे कैसे। शंकरानंद स्वामी जी यानी भोले बाबा बोल पड़े यशोदा मैया से, मैया आपने योगी हटने दी कि हम 12 साल की तुम्हारे द्वार पे धूनी रमा लेंगे, कभी तो कन्हैया निकलेंगे गेट से, हम दर्शन करके ही रहेंगे। यशोदा जी बोली, अरे महात्मा जी योगी हट को सब जानती हैं, लेकिन दूसरी हट जानते हो आप। बोले क्या, क्रिया हट। मैं मेरे लाला को 24 साल तक जगह से निकलने नहीं दूंगी, मेरे घर के महल में 14 द्वार है, इस गेट को बंद करा दूंगा। बोले बाबा उदास हो गए। बोले भैया, हम तो दर्शन की अभिलाषा से आए थे, मारेंगे बंदे कटेगा और नहीं सोचेंगे ना, ऐसे गर्व नहीं सीखा होगा। अब तो यशोदा जी ने क्या काम किया, खड़ी हो गई उठ कर बोलती जा रही है कि तो महाराज जी नाव ग्रहण करे बारे मामले बुलाओ तो हो, जो हमारे घरे ही आकर मर गाओ, बताओ कोई क्या कहेगा। अच्छा महाराज जगह आए थे, और जैसी झलक चुटकी बजाई आंखों के सामने है, पल भी नहीं करती आंखों के। अब तो नंद बाबा ने जैसी उनको झनकोर हाथ पकड़ के है, तो बस समाधि टूटी, त्राटक समाधि जो लगी थी गर्ग ऋषि की, और बोले क्या हुआ, दोनों महात्माएं हंसने लगी। अरे महाराज तुम्हारी श्वास बंद हो गई थी और आंखें भी खुली रह गई थी, मुख भी खुला रह गया था, हम तो कति हो रही थे मान जाते। गर्ग ऋषि मन में विचार कर रहे हैं कि कहां तक छुपाऊंगा मैं, सच्ची सच्ची बात जो है वो बताई देता हूं कि परमात्मा है, ऐसा सोच रहे हैं, अभी बताया नहीं। गर्ग ऋषि कहती है कन्हैया को देख करके, मैया ये साक्षात, तब तक कन्हैया गोद में बैठे हैं, इशारा कर दिया गर्ग ऋषि के लिए उंगली से, मना कर दिया, महाराज ओरिजिनल बात मत बता दियो, भगवान मत बता दियो। बोले क्यों, कि हम जब भगवान बन के नहीं आए, हम तो जहां बालक बन के आए हैं, और वैसे भी आप जानते हो भगवान की कैसी स्थिति चल रही है कई जगह, कभी कभी क्या होता है, भगवान ने दूध को भोग लगा दिए है, तुरंत कह देते तुम दूध को दूध पी के काम चलाओ, हम बपर सिस्टम भावी शादी में जा रहे हैं। और कई जगह तो ऐसा होता है,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਗਰਮੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਹੈ ਪੜਦਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੋ ਗਰਗ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪਰੇ मैया से कहते हैं मैया ये तुम्हारी गोद में जो बैठा है ना ये बालक ये साक्षात गुणों का खजाना है। यशोदा जी बोली है महाराज जी ये आलती पालती बातें क्यों कर रहे हो कभी कहती हो भगवान के समान गुण है कभी रक्त वर्ण कभी पील वर्ण दक्षिणा कम हो तो वैसे ही कह दो हम दे रहे और जी लेकिन महात्मा जी कहते हैं मैया हम तुम्हें भावी प्रणाम करती हैं तो गर्ग ऋषि कहती हैं नामकरण करते हैं कि अहम साक्षात रोणी पुत्राणा यशोदा बगरा में जागदा रोहिणी की गोद में जो बैठे हैं बालक वो तो साक्षात यशोदा का पुत्र है और यशोदा जी की जो गोद में है वो रोहिणी पुत्र है। अब तो यशोदा मैया ने क्या काम किया अपनी जो अंगूठी थी ना हीरा की जड़ी ही निकाल के महाराज जी के चरणन में रख रही और रोहिणी से इशारे से बोल दिया सच्चे ज्योतिष वाले महाराज जी हैं अब तो पहले बलराम जी का नामकरण किया और कहा ये बहुत बलताली है बलभद्र किसी कहती है जो समाज के कल्याण के लिए अपने बल का प्रयोग करे उसका नाम है बलभद्र। कभी ये राम के भक्त भी रहे हैं इसलिए इनका नाम होगा बलराम। वैसे तो भैया बहुत नाम होंगे हर घर भी होगा लाओ जी भी होंगे और छोटे वाले बालक का नामकरण करते हैं बोलते हैं ये कभी रक्त वर्ण टिके थे कभी पील वर्ण के हुए अब श्याम वर्ण है इसलिए इनका नाम श्याम भी है कृष्ण भी रहेगा और बहुत नाम रहेंगे भैया इनकी तो गिनती नहीं है। बोले क्या क्या इनका नाम अनन्य होंगे। बोले तथा थे दो चार अनन्य होंगे तो इनको नाम होगा गोपाल भी होगा बिहारी जी भी होगा मुरली वाला भी होगा माकन चोर भी होगा कालिया नाम नापने वाला भी होगा गऊए चराने वाला भी होगा रात रचाने वाला भी होगा गिनती नहीं है। यशोदा जी बोली महाराज इतने ना हो सका एक आध बता दो तो कृष्ण नाम जो है प्रणाम करते हैं और दोनों माताओं ने महाराज जी के लिए बहुत दक्षिणा दी है और अंग का आशीर्वाद देकर के गर्ग ऋषि जो है वहां से प्रस्थान कर देती है किया हम गर्ग देवाना यमला अर्जुना ज्ञाता योग विद्धि चाटते श्रीका। अब तो कन्हैया जो है धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तीन वर्ष की आयु हो जाती है कन्हैया की और
मैया ने जो है पाव पैरों में पायलिया पहने रखी है, और एक बार कन्हैया ने मिट्टी खा ली तो ग्वाल वालों ने जाके यशोदा मैया को शिकायत किया, यशोदा जी आ जाती हैं। कन्हैया बोल पड़े, मैया मैंने मोटी नहीं खाई कि बलदाव जी से पूछ लो, दाऊ भैया से पूछो। अब दाऊ भैया से पहले ही बोल दिया था कन्हैया ने, तुम यदि हमारी माटी खाने की मैया से बोलोगे ना तो हम भी बोल देंगे मैया से कि दाऊ जी भी भांग खाते हैं। बलराम जी विचार कर रहे हैं, कन्हैया पिटे न पिटे वह अलग बात है, लेकिन हम तो भांग को सेवन करते हैं तो मैया जरूर भोगेंगे। बलराम जी तो चुप हो गए। यशोदा मैया बार बार पूछती है, क्यों बलराम ये बता, तूने माटी खाते हुए देखा? बलराम जी बोले, मैया मेरे सामने तो कन्हैया ने माटी नहीं खाई, हाँ के पीछे खा रही हो तो पता नहीं। अपने बचाव के लिए तो बोलना पड़ेगा। अब तक श्री रामा जी बोले, मैया मेरे सामने खाई थी इसने कही। कन्हैया बोले, मैया ये तो मेरे शत्रु हैं, कही मुझसे वह भरा थी, मेरा मुख देख लो। श्री रामा जी बोले, मुख क्या देख लो। धीरे धीरे मैया जम भाई बाहर है, उस मटकी के पास आके खड़े हुए और दोनों हाथ मटकी पे रख लिए कन्हैया ने, और बोले, मैया मुझे तो माखन खाना है। यशोदा जी बोली, कल का रखा होगा, मैं अभी दे दूंगी। कन्हैया बोले, नहीं नहीं कल का नहीं खाएंगे हम, हमें तो ताजा चाहिए, वो तो वासा हो गया ना। यशोदा जी बोली, अरे लाला पहले इसमें से माखन निकलेगा, जब मैं इसको भर दही उभारूंगी तभी तो पीने लगे। कन्हैया रोने लगे, नहीं मैया मुझे तो इसी में से माखन चाहिए, अभी चाहिए। बाल है ये यशोदा जी ने विचार किया, इसको इनको कैसे मनाऊं? तो यशोदा जी कहती है कन्हैया से, लाला तुझे मैं माखन से भी शीतल प्रदान करने वाली एक वस्तु बताती हूँ। देख तू चंदा मामा, सुबह की 4 बजे थे, चंद्रमा निकल रहे थे ना, कन्हैया माखन तो भूल गए, और बोले, मैया मो तो चंदा मामा चाहिए, जल्दी लाओ। यशोदा जी बोली, हे भगवान, इसको चंदा मामा कैसे लाऊं? रोने लगी। अब तो यशोदा जी ने क्या काम किया, एक परात में बड़ी सी परात में पानी भर कर रख दिया, उसमें चंद्रमा दिख रहे जल में। यशोदा जी बोले, देख ये चंदा मामा जा रहा है। अब तो कन्हैया ने देती दोनों हाथ उस परात में मारे, उस जल में मारे, तो वो जल उलझा। बोले, मैया ये तो पानी है, ये तो वही चंदा। रोना शुरू कर दिया। यशोदा जी बोली, बाबा परेशान करता है, मैं नहीं बांध रहा हूं, जा मैं तुझे नहीं दूंगी चंदा मामा, तू क्या करेगा? नंदलाला होगा। चंदा लाले, चंदा लाले।